हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉइज़। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के कुछ प्रश्नों के बारे में। पिछली दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज क्वेश्चन नंबर 5 की सबसे पहले बात करते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से ये फिगर है, ये एक वर्ग है। वर्ग की नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और ये हो गया डी। और इसके 4 कोनों पर क्या किया गया है, चतुर्थांश काट लिया गया है इस तरह से, ये और बीच में एक वृत्त बना दिया गया है, ठीक है। तो इन चतुर्थांशों का जो त्रिज्या है वो चतुर्थांश की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया है, व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी भी त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है वो आपकी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और चतुर्थांश की भी जो त्रिज्या ये बनेगी, ये जो त्रिज्या बनेगी वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक। और वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। वर्ग की ये जो भुजा है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हम 3 चीजों को निकालेंगे, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है, तो भुजा है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर बराबर हो गया ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला काम हो गया। अब दूसरा क्या है कि 4 कोनों पर बने चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो 4 कोनों पर बने चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 4 कोनों पर चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश ये आपका एक त्रिज्यखंड की तरह है, या आप वर्ग का क्षेत्रफल का 1/4 भी कर सकते हैं। तो 4 गुने, हम सीधे सीधे पायर स्क्वायर लेते हैं, पायर स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल बटे 4, तो 4 से 4 कट गया, यानी एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर ये होगा 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो पाई का मान रखते हैं 22/7 गुने आर का मान जो दिया है वो 1 सेंटीमीटर, यानी 1 गुने 1, यानी ये आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2 चीजें निकल आई, एक ये निकल आया है, एक ये निकल आया। अब चलते हैं तीसरी चीज, तीसरी क्या है, तो वर्ग के अंदर ये जो वृत्त बना, ये जो वृत्त बना है इस वृत्त का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो लिखेंगे वर्ग के बीच में बने, बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर लगेगा, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7,
और इसका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 1 यानी ये हो गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आया है उसमें से चारों चतुर्थांश और बीच में बने जो वृत्त है उन दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर लेना है, जोड़ करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आगे चलते हैं, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लिखेंगे इसमें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चतुर्थांशों का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के मध्य में स्थित वृत्त का क्षेत्रफल, मध्य में स्थित वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपने निकाला था 4 × 16 आया था, 16 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल आया था आपका 22/7, ये चतुर्थांशों का क्षेत्रफल आया था 22/7, प्लस वर्ग के मध्य में जो था उसका भी आया था 22/7। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया 16 माइनस 22 और 22 हो गया आपका 44/7। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकलेगा 16 × 7 = 112 माइनस 44/7 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 112 माइनस 44, तो हो गया 68/7। और 68 जो है वो 7 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो 68 आपका 7 से नहीं कटने वाला है, तो इस प्रकार से आपको जो है इसको डेसिमल में आंसर नहीं निकालना है, इतना ही आंसर आएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, तो एक वृत्ताकार मेजपोष जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है के बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दर्शाया गया है, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर ये हो गया आपका 6। इसमें भी सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं, तो ये हो गया इसका वृत्त, इसके बीच में एक बना हुआ है समबाहु त्रिभुज, इस तरह से समबाहु त्रिभुज बना हुआ है और उसके चारों तरफ ये बना है डिजाइन, ये डिजाइन बना हुआ है। तो ये जो डिजाइन बना है इस भाग का आपको निकालना है एरिया। ठीक है, और जो ये वृत्ताकार ये इसकी त्रिज्या, तो मेजपोष की हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले वृत्ताकार मेजपोष की त्रिज्या, तो वृत्ताकार मेजपोष की त्रिज्या जो है वो है आपका 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया है, तो समबाहु त्रिभुज का कुछ नेमिंग कर लेते हैं, तो ये ऊपर वाला भाग ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यदि हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें
और उस क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो बचा हुआ भाग जो है वो आपका डिजाइन वाला भाग बच जाएगा और उसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब बात उठती है कि हमारे पास ये जो समबाहु त्रिभुज दिया गया है इसकी भुजा नहीं दी गई है, तो इसकी भुजा सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सेंटर बीच में कोई एक मान लेते हैं और सेंटर से ये एक इस तरह से हम इसको मिला देते हैं। तो ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण आपका कितना होगा 60 डिग्री, और ये 60 होगा तो ये आपका बनेगा 120 डिग्री, जो कि आपका एक प्रमेय था कक्षा 9 में, ठीक है, ये वाला कोण। ये वाला कोण आपका बनेगा, इसको तो हम थोड़ा अलग से दर्शा देते हैं, ये आपका 120 डिग्री बनेगा। ये 120 डिग्री बनेगा तो जाहिर सी बात है ये कोण और ये कोण ये आपके बच जाते हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का सम बच जाएगा 60 डिग्री, तो 60 में ये 30, ये हो जाएगा 30, ये 30 30 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमने भुजा खींची है ये है आपकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे जो कि 30 30 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं, एक लंब ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो लंब ड्रॉ कर लिया तो ये इसका कुछ नाम रख देते हैं, इसमें हम कोई कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ये हो गया, वो नाम रख देते हैं, ए बी सी तो हो ही गया, और नीचे इसको डी दे देते हैं नाम। अब हम क्या करते हैं पाइथागोरस से हम क्या कर रहे हैं, ये तो 90 डिग्री हो ही गया, पाइथागोरस बिल्कुल नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हो गया, हमको बी डी यदि पता चल जाए तो उसका जो दुगना हम कर देंगे तो हमको बी सी पता चल जाएगा, और बी सी हो गया तो बी सी हो गया आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई, तो उसका उससे हम क्या निकाल लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आप बी डी कैसे निकालेंगे, तो बी डी निकालने के लिए ये एंगल 30 डिग्री आपको पता है, तो हम लगाएंगे आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे बटे कक्का ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा ओ बी बटे बी डी और लग जाएगा कॉस थीटा, हम इसको तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण कर लेते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं, बी डी बटे ओ बी लगाते हैं, तो कॉस 30 डिग्री बराबर बी डी बटे ओ बी, ठीक है। कॉस 30 का मान हम लोग रख देते हैं, तो कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, बी डी हमको निकालना ही है तो बी डी एज इट इज ऐसे ही रहेगा, और नीचे ओ बी, ओ बी की जगह हम 32 सेंटीमीटर लिख देंगे, तो ये हो गया आपका 32, 2 से 32 कट जाएगा 16 बार, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो बी डी बराबर हो गया आपका 16√3, 16√3 सेंटीमीटर, तो 16√3 सेंटीमीटर ये बी डी का मान आ गया। तो हमको वर्ग वो जो समबाहु त्रिभुज है उसका भुजा चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी बराबर ट्वाइस ऑफ बी डी, ठीक है। तो ये बी डी की दुगनी हो जाएगी, तो बी डी हो गया 16√3, तो 16√3 तो हो गया 2 × 16√3, तो ये हो जाएगा 32√3 सेंटीमीटर,
यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ये हम भुजा निकाल रहे हैं, तो ये यहाँ ऊपर जो हमने ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है ये स्क्वायर नहीं होगा भैया। ठीक है, तो 32√3 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सीधे सीधे छायांकित भाग लिखते हैं, 16√3 है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हम यहीं पर सीधे सीधे लगा देंगे, अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर, ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पाई का मान इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम सीधे सीधे 22/7 रखेंगे। त्रिज्या 2 जो दी गई है वो 32 दी गई है, तो 32 × 32 कर लेंगे माइनस √3/4। √3/4 भुजा जो अभी हमने निकाली थी वो 32√3 निकाली थी, तो ये 32√3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व यदि करेंगे तो 32 यहाँ इधर किसी से कट नहीं रहा, तो सीधे सीधे इसका मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, 32 × 32 × 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22,528। 22,528/7 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करना है, 32√3 का होल स्क्वायर है, तो 32 × 32 हो गया और √3 × √3, थोड़ा हम इसको ओपन कर देते हैं आपके लिए आसान हो जाएगा, तो √3/4 × 32√3 × 32√3। ठीक है, तो √3 √3 का गुना 3 हो गया, और तो 32 × 32 × 3 हो जाएगा। यदि चाहें तो 4 से 1 32 को काट सकते हैं, तो 4 × 8 = 32, 8 बचेगा। अब क्या गुना होगा इसमें, तो इस 32 का गुना होगा और √3 √3 का गुना आपस में 3 हो जाएगा, तो 32 × 3 × 8 कराते हैं, तो 32 × 3 × 8 हो गया आपका, तो ये हो जाता है 768, और ये वाला √3 उसमें आ जाएगा साथ में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 22,528/7 माइनस 768√3, यही आपका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आकृति 12.25 में ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ए बी सी और डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक फिगर, जो फिगर इन्होंने दिया है वही फिगर हम ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया, और इसमें करते क्या है, तो इसमें भी बीच में एक छोटा सा वर्ग बना लेते हैं, एक हमने ये बना लिया वर्ग, और यहाँ पर जो है ये बन रहा है वृत्त, ये 4 वृत्त बने हुए हैं यहाँ पर, तो 4 कोनों पे हमने 4 वृत्त भी बना लिए हैं, इस तरह से ये 4 वृत्त तैयार हो गए। अब ये कह क्या रहा है,
तो हमको क्षेत्रफल किसका निकालना है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल हमको ये जो भाग बचा हुआ है, ये भाग, इस भाग का हमको निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, अब इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। और इसमें कुछ नेमिंग करनी है तो वो भी हम कर देते हैं। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, अब इसमें जो कुछ दिया है तो ए बी सी डी की भुजा वर्ग वर्ग ए बी सी डी की भुजा कितनी दी गई है, तो भुजा दी गई है आपका 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर की ये भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इससे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इसमें ये एक बात ध्यान देना है कि ये जो भुजा है ये है 14 सेंटीमीटर, और इसको आधे में ये जो है इसको कट स्पर्श कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आधी दूरी कितनी बचेगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है, ये जो त्रिचतुर्थांश बन रहा है, वो उसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे वर्ग के कोने पर बने चतुर्थांश, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या आर बराबर वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बटे दो। तो आर बराबर हो गया आपका कितना, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगला ही पेज ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं, चारों चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो वर्ग की भुजा इन्होंने दे रखी है, तो वर्ग इसमें हम इक्वल यहाँ करते हैं, इक्वल्स टू वर्ग का क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर तो हम लिख लेते हैं, भुजा स्क्वायर एक चीज ये हो गई, माइनस चार चतुर्थांश है तो चार से हमने गुना कर दिया, एक चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बटे चार, चार से चार कैंसिल हो गया, बच क्या गया, इधर बच गया भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर होगा, भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो भुजा की जगह आप भुजा रख देते हैं, तो भुजा आपका हो गया 14 सेंटीमीटर। तो 14 × 14 माइनस पाई का मान हो गया आपका 22/7, और आर आपने त्रिज्या क्या अभी निकाली थी, तो त्रिज्या आपने निकाली थी 7 सेंटीमीटर। तो 7 × 7, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हाँ अब ठीक है। तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और इधर ये बच गया 14 × 14, 196 आएगा, और ये आ जाएगा 154। ठीक है,
तो इसको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इससे पिछले का यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।